नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयद्रथ योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जयपुर के कोटपुतली में एक मर्डर को लेकर पुलिस थाने के सामने जबरदस्त धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सभी समाजों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। लोगों के आक्रोश को देखते हुए आरएसी के दो बटालियन बुलाई गई। बता दें कि लगभग दो माह पूर्व भालोजी गांव में खाद बीज व्यवसायी प्रहलाद जाट का मर्डर हो गया था, जिसको लेकर पुलिस कोई खुलासा नहीं कर पा रही थी। 20 दिन बीतने पर भी पुलिस के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने पर पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, पीसीसी सचिव इंद्राज गुर्जर सहित सैकड़ों लोग पुलिस थाने के सामने धरना डालकर बैठ गए हैं। भीलवाड़ा के शाहपुरा के सैटेलाइट चिकित्सालय में 53 पदों को समाप्त करने के मामले को लेकर चल रहे आंदोलन के क्रम में सैटेलाइट चिकित्सालय बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर शाहपुरा बंद रखा गया। बंद को सभी व्यापारी वर्गों का समर्थन मिला है। सुबह से ही सभी बाजार पूर्णतः बंद रहे। बंद को लेकर पुलिस की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जगह जगह पर पुलिस जवान तैनात किए गए थे। वही सरकार की ओर से अब तक इस संबंध में कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है, जिसके विरोध में यह आंदोलन चल रहा है। इससे पूर्व समिति चिकित्सालय से बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर ज्ञापन भी दे चुकी है। अजमेर के मसूदा में पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र के हालात जानकर कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। बंद कमरे में अजमेर संसदीय क्षेत्र के प्रस्तावित उपचुनाव पर चर्चा की गई। मंत्री राठौड़ ने कहा कि भाजपा के खाते में जीत बरकरार रखने के लिए पार्टी कार्यकर्ता तैयारी में जुट जाए। बूंदी के नैरवा में उपकोष कार्यालय के लिए तहसील कार्यालय के पीछे एक वर्ष से अधिक समय से भवन तैयार होकर खड़ा था, लेकिन इसमें उपकोष कार्यालय शिफ्ट नहीं करने के कारण अब तक अनुपयोगी बना हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री के बूंदी जिले के दौरे को देखते हुए इसमें उपकोष कार्यालय शिफ्ट कर दिया गया है। इसी के साथ उपकोष कार्यालय में लंबे समय से रिक्त पड़े उपकोषाधिकारी का पद यहां पर सुनील काबरा को नियुक्त किया गया, जिन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है। हालांकि पूर्व में बताया था कि चौकीदार की व्यवस्था नहीं होने से नए भवन में कार्यालय शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब चौकीदार की व्यवस्था कर ली गई है। राजसमंद के आमेर तहसील के मार्डकदेह गांव के ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की मांग की। ज्ञापन ने बताया कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं और उसे कुछ समय बाद बेच देते हैं। ऐसा आसपास की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेचने का काम कर रहे हैं। उप सरकारी जमीनों से कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग की गई और कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। उदयपुर के कोटरा में बारिश में उदयपुर गुजरात राजमार्ग की पहाड़ियों से कई झरने बहने लगे, जो घंटों तक बहते रहे। इस दौरान वाहन चालकों और राहगीरों ने इनका लुत्फ उठाया, साथ ही फोटो खिंचवाए। बाड़मेर के समदड़ी के निकटवर्ती जेठंतरी गांव में प्रधानाध्यापिका को दिवसीय वाकपीठ का आयोजन किया गया। इस वाकपीठ में समदड़ी तहसील के समस्त प्रधानाध्यापकों ने भाग लिया, साथ ही कई प्रतिनिधि गांव के गणमान्य नागरिक और भामाशाह मौजूद रहे। भीलवाड़ा के बिजौलिया क्षेत्र में इन दिनों नीम हकीमों का जाल फैला हुआ है। इससे इलाके के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। गांवों और खदानों पर डेरा डाले 50 से भी ज्यादा नीम हकीम सेहत के साथ ही ग्रामीणों की जेब पर भी डाका डाल रहे हैं। वहीं प्रशासन और चिकित्सा विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। नागौर के रियाबड़ी क्षेत्र के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, मिनी केंद्र एवं ग्रामीण साथियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपकरण अधिकारी गौरी शंकर शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पाली के रानी में रानी कला ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 6 के वार्ड 5 के रिक्त पद के हुए उपचुनाव में जगदीश कुमार खटीक निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस दौरान रिटर्निंग अधिकारी घनश्याम लाल, चुनाव अधिकारी महेंद्र वैष्णव, बलवंत सिंह मीणा, ग्राम सेवक देवी सिंह साधु आदि मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के अरूपगढ़ के पास एक बस के बिजली के तारों को छू जाने से बस में करंट फैल गया और आग लग गई। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये संख्या 5 तक हो सकती है। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में राजकीय बालचंद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एसडीएम पीसी रेगर ने औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले एसडीएम ने ओपीडी कक्ष, पर्ची काउंटर होते हुए वार्डों का रुख किया। वहां मरीजों के बारे में जानकारी हासिल की। वार्डों में सफाई व्यवस्था माकूल नहीं होने पर एसडीएम ने नाराजगी जताई। पाली के मारवाड़ जंक्शन में चवाड़िया से खारचे गांव जाने वाली सड़क मार्ग में बरसात से हुए खस्ताहाल हालात को लेकर सरपंच नेमाराम चौधरी ने रोष जताया। यह पंचायत समिति सदस्य नयन कंवर ने बताया कि रास्ते की रपट टूटी होने से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। चित्तौड़गढ़ के राजमी कस्बे सहित उपखंड के कई गांवों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से जरूर राहत मिली, लेकिन इससे किसानों के चेहरों पर जरूर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। किसानों का कहना है कि इस बारिश से उड़द, मूंग, तिल की फसलों में खराबा हो सकता है।
पाली के देसुरी की ढालोप ग्राम पंचायत में सरपंच पद के उपचुनाव के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में रहे। नामांकन के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर काफी भीड़ लगी रही। ढालोप ग्राम पंचायत के सरपंच बाबूलाल चौधरी को अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से हटा दिया गया था। इसी के साथ संभागीय आयुक्त ने भी उन्हें अनियमितताओं के चलते 5 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपात्र घोषित कर दिया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में कस्बे की राधा विद्या मंदिर विद्यालय में हिंदी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्यालय में आज सारा कार्य हिंदी भाषा में ही संपन्न हुआ। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने कविता पाठ भाषण के द्वारा अपने विचार प्रकट किए। भरतपुर के वैर में गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के सूक्ष्म सानिध्य में देव संस्कृति पुष्टिकरण विशाल गायत्री महायज्ञ का आयोजन 26 से 29 अक्टूबर तक गायत्री शक्तिपीठ भरतपुर के संभाग स्तर पर किया जाएगा। बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के भूट राठौड़ान गांव निवासी एक गैंगरेप पीड़िता ने इंसाफ नहीं मिलने से आहत होकर डिग्गी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस महिला के साथ 24 जुलाई 2017 को गैंगरेप हुआ था। महिला की ओर से आरोपियों के खिलाफ चौटन थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोपी पक्ष लगातार पीड़ित महिला को धमकियां दे रहा था। इससे आहत होकर महिला ने घर के पास बनी पानी की डिग्गी में कूदकर अपनी जान दे दी। मृतका के परिवार वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग पर अड़े हुए हैं। करौली के हिंडौन सिटी के पास गड़ी पनबेड़ा गांव में बरसात के साथ आए अंधड़ के कारण एक घर ढह गया। टूटी हुई पट्टियों के नीचे दबने से एक युवती की मौत हो गई और 2 महिलाएं जख्मी हो गई। मृतक सिकंदरपुर गांव निवासी राकेशी है। कुछ युवतियां हरी सिंह मीणा के खेत में बाजरे की फसल काटने गई थी। दोपहर करीब 2 बजे शुरू हुए तेज अंधड़ और बरसात से बचने के लिए वे खेत में बने शेड के नीचे जाकर बैठ गई थी। बारा के बरानी गांव के पास ट्रॉली पलटने से 8 लोग जख्मी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायल लोग मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले के निवासी हैं, सभी मजदूर हैं और फसल कटाई के लिए बारा जिले में आए हुए थे, जो आज मेला देखने के लिए ट्रॉली में बैठकर बारा आ रहे थे। ट्रॉली को पीछे से ट्रॉली ने टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। जयपुर के दूधों में बीजेपी पदाधिकारियों की संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में किसी कारणों के चलते प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी नहीं पहुंचे, लेकिन बीजेपी राज्य संगठन प्रभारी वी सतीश, भाजपा प्रभारी चंद्रशेखर के पहुंचने से पहले ही जयपुर जिला देहात अध्यक्ष डीडी कुमावत की मौजूदगी में नाराज कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं विधायक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पदाधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में वार्ता कर विवाद को शांत किया। साथ ही अजमेर लोकसभा उपचुनाव के बारे में चर्चा की गई। कोटा के गुमानपुरा थाना पुलिस ने 2011 में 40 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया जा चुके एनडीपीएस कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। तस्कर गजानंद को शहर की गुमानपुरा थाना पुलिस ने 2011 में 40 किलो 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। तस्कर गजानंद के साथ रवि और दीपक नाम के 2 तस्कर भी शामिल थे, जो पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकले थे। पाली में सुमेरपुर क्षेत्र के पालड़ी जोड़ गांव में शिक्षकों पर ही स्कूल में शराब पार्टी करने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार राजीव गांधी सरकारी स्कूल पालड़ी जोड़ में 3 शिक्षक शराब पार्टी कर रहे थे। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर उनको पकड़ लिया और वीडियो भी बना लिया, लेकिन शिक्षक मौके से फरार हो गए। स्कूल प्रशासन इस मामले में लीपापोती करने में जुटा हुआ है। टोक के टोडा का गोठड़ा गांव में निर्माण कार्यों के निरीक्षण के बाद उपजा सरपंच वीडियो विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। देवली विकास अधिकारी कुशलेश्वर सिंह राठौर ने सरपंच चौथमल मीणा पर मारपीट का आरोप लगाया है, तो सरपंच मीणा के समर्थन में पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। और वक्त हो गया है छोटी से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भीलवाड़ा के आसीन में लक्ष्मीपुरा गांव में चल रही कबड्डी खो खो प्रतियोगिता का समापन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक हगामी लाल मेवाड़ा और अध्यक्षता पूर्व सरपंच प्रदीप व्यास ने की। इस दौरान मेवाड़ा ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेले, खेल में हार जीत तो होती रहती है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति में उपकरण अधिकारियों की बैठक ली।
बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए मनरेगा में कम श्रमिक नियोजक होने पर फटकार लगाई और कहा कि योजना का लोगों को लाभ दिलाए, समन्वय बनाकर कार्य को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद जिला कलेक्टर ने रावतभाटा थाने एवं एसडीएम कार्यालय का निरीक्षण कर राजस्व प्रारणों की जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में गुमटी दुकानदारों ने फेज 2 से वाहन रैली निकालकर भैंस रोडगढ़ पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर को बैठक के बाद ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन ने बताया कि स्टेट हाईवे 9 को रावतभाटा से बाहर निकालने 522 गुमटी दुकानदारों को दिए गए नोटिस को निरस्त करने की मांग की गई। साथ ही बोराव ग्राम पंचायत और भैंसोरगढ़ के लोगों ने भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समस्याओं से अवगत करवाकर समस्याओं के निराकरण की मांग की। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में पुलिस थाने से कॉपरेटिव मिल जाने वाली पेयजल लाइन फूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। दशहरा मेला के दौरान टेंट कर्मी डेकोरेशन करने के लिए इसी मार्ग पर पाइप लगा रहे हैं। पाइप लगाने के दौरान जमीन में सरिया ठोका, जो सीधा पाइपलाइन तक पहुंचा, जिससे पाइपलाइन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गुलाबपुरा उप कार्यग्रह के ठीक सामने हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया, लेकिन क्षतिग्रस्त लीकेज दुरुस्त नहीं हो सका। वही उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। जल विभाग की लापरवाही का खामियाजा बीमारी के इस मौसम में उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। टोक्यो नियारा में सीएचसी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के स्कूल में जांच के दौरान 142 बच्चों का उपचार किया गया। जिला मुख्यालय से विशेषज्ञ डॉक्टरों की आई टीमों ने बच्चों की जांच की। भीलवाड़ा के आसीन में हाईवे पर बामनी चौराहे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जने की मौत हो गई, वहीं हादसे में एक घायल हो गया। घायल को भीलवाड़ा रेफर किया गया। सूचना के बाद आसीन पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क काढ़ा वितरण शिविर में मुरला में 1500 स्कूली बच्चों और ग्रामीणों ने काढ़े का सेवन किया। बस स्टैंड से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में हुए इस कार्यक्रम में मौसमी बीमारियों की रोकथाम और बचाव के लिए जानकारियां दी गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला क्षेत्र में मेवाड़ का पारंपरिक खेल नृत्य गवरी का मंचन मेवाड़ क्षेत्र के भील कलाकारों द्वारा किया जा रहा है। कस्बे के बुनकर चौक में गवरी नृत्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में महिला पुरुष और बच्चों ने उत्साह से गवरी नृत्य का आनंद लिया। उदयपुर के कोटरा में सरपंच शारदा देवी ने उदयपुर मार्ग स्थित कस्तूरबा बालिका आवासीय स्कूल का निरीक्षण करते हुए समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान स्कूल में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन बिस्तर व अन्य सामग्री के बारे में बालिकाओं से जानकारी ली गई। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में रानीखेड़ा चौराहे के पास पुलिस ने कार से 36 किलो अफीम डोडा चूरा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया, साथ ही कार जब्त की। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा की भाजपा पार्षद रेखा रानी तिवारी को महिला मोर्चा की जिला कार्यकारिणी में महामंत्री मनोनीत किया गया। इस पर रेखा रानी का कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन कर बधाई दी। चित्तौड़गढ़ के निमाहेड़ा में महावीर इंटरनेशनल पश्चिमी द्वारा विस्तार कॉलोनी स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को स्कूली सामग्री और बिस्किट वितरित किए गए। टोक्यो नियारा में स्वच्छता पखवाड़े के तहत पलाई के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में वॉशिंग डे मनाया गया। विद्यालयों के प्रधानाचार्य प्रेमलाल मीणा ने छात्र छात्राओं को कई जानकारी दी। विद्यालय परिसर को साफ सफाई किस तरह रखा जाए इस बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान व्याख्याता सत्येंद्र पाल सहित कई शिक्षक प्रबुद्ध लोग मौजूद हैं। अजमेर के पिसांगर में पूर्व लोक जुबेश कार्मिकों ने उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन में नियमितीकरण करने की मांग रखी गई। अजमेर के नसीराबाद में बिना रुपए रेखा बनाए तोड़ने गए अतिक्रमण दलबल को लौटना वापस पड़ गया। लोगों ने आरोप लगाया कि नगरपालिका बगैर किसी नोटिस के अतिक्रमण तोड़ने आ गया, जिसका विरोध किया गया। थानाधिकारी के नेतृत्व में हुई बैठक में अतिक्रमियों को अब नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद अतिक्रमण हटाया जाएगा। कोटा के टावा में क्षेत्र के पीपलदा कला कस्बे में संगीत में रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें कलाकारों द्वारा किए गए मंचन से ग्रामीण मंत्रमुग्ध हो गए। सरपंच सीमा दादीज भाजपा जिला उपाध्यक्ष रिंकू सोनी सहित ग्रामीणों ने भगवान राम की महाआरती में भाग लिया। जालौर के चितलवाना में राजकीय प्राथमिक विद्यालय बांटा का गोलिया में चल रही प्रथम पीओ स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन विधायक सुश्रम बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य में हुआ। विधायक ने कहा कि हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू है, इससे खिलाड़ियों को हार से निराश नहीं होना चाहिए। कोटा के टावा में अखिल भारतीय किसान सभा के राज्यव्यापी आंदोलन के तहत इटावा नगर के अंबेडकर सर्किल पर किसानों ने नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने करीब एक घंटे तक सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया, जिससे वाहनों की कतारें लग गई। झालावाड़ के मनोहर थाना में तहसील परिसर में स्टैंप वेंडरों की मनमानी के चलते दोगुनी रेट में स्टैंप बेचे जा रहे हैं।
वहीं दूसरी ओर छात्रवृत्ति फॉर्म में शपथ पत्र की आवश्यकता के चलते दोगुनी रेट में स्टैंप बेचकर वेंडर्स द्वारा छात्रों के साथ ग्रामीणों का भी शोषण किया जा रहा है, जिसके विरोध में एबीवीपी ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ के पिडावा में रियासतकालीन सराय भवन से काफी लंबे समय से सराय के अतिक्रमण हटाने की मांग चल रही थी। इस पर पालिका ने सभी को 24 घंटे में अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए, लेकिन नोटिस के बावजूद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर पालिका पिडावा की टीम ने सराय में पहुंचकर जेसीबी से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अजमेर के विजयनगर में राजकीय नारायण विद्यालय में ब्लू व्हेल गेम से विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए विजयनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जालौर के रानीवाड़ा में करड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई में अवैध डोडा पोस्ट से भरी लग्जरी गाड़ी सहित आरोपी को पकड़ लिया गया। आरोपी चित्तौड़गढ़ निवासी है। भाटी सरहद में नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। भरतपुर के रूपक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साहित्यिन सहायिकाओं सहयोगिनियों ने आशा सहयोगिनी गुड्डी शर्मा के नेतृत्व में सामूहिक अवकाश पर रहकर स्थायीकरण की मांग को लेकर रैली निकाली। स्थायी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर एसडीएम परसराम मीणा को अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। चुरू के सरदार शहर में आदर्श स्कूल की कक्षाएं खुले मैदान में लगती हैं। यह उप तहसील भानीपुरा के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में कमरों का अभाव है। रमसा के बजट में कमरों का निर्माण अधरझूर में है, जिससे राज्य सरकार व शिक्षा विभाग की अनदेखी सामने आई। एक साल से कक्षाएं खुले मैदान और पेड़ की छांव में लगती है। भरतपुर के रूपक में पंचायत समिति सभागार में एसडीएम परसराम मीणा ने ब्लॉक के समस्त सचिवों की दिव्यांगों के रजिस्ट्रेशन में त्वरित गति से कार्य करने को लेकर बैठक आयोजित की। वह दिव्यांगों के पंजीकरण में लापरवाही बरतने पर 10 सचिवों को नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नागौर के कुचामन सिटी में ग्रामीण अंचल चांदपुरा झीलिया आसपुरा जोड़पुरा शिवदानपुरा सहित बारिश से मूंग की फसल खराब हो गई है। पिछले एक हफ्ते से रुक रुक कर यहां बारिश होने से किसानों के माथे पर चिंता दिखाई दी। किसानों का कहना है कि इस समय फसलें पक चुकी हैं, जिसके कारण अब हो रही बारिश की वजह से फसलों में काफी नुकसान होने की संभावना बनी हुई है। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए घाव ढाणे की खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर के शाहपुरा में जवानपुरा गांव में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार आरोपी भवारी सिंह ने अपनी पत्नी को खेत में ले जाकर उसका गला रेत कर हत्या कर दी। इसके बाद देर रात भवारी सिंह ने मकान के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जयपुर से पहुंची एफएसएल टीम ने मौके से नमूने उठाए। थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक भवानी सिंह शराब का आदी था, संभवतः उसने इसके चलते घटना को अंजाम दिया हो। मामले की जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के आसीन में बदनोर क्षेत्र में स्वाइन फ्लू की चपेट में आते एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। अजमेर जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में इलाज के दौरान हुई मौत के बाद पाटन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम मावला गांव पहुंची। घटना के बाद मावला गांव में स्वाइन फ्लू से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। नागौर के लाडनू में राजस्थान कार्यकर्ता सहायिका आशा सहयोगिनी संगठन द्वारा उपखंड अधिकारी राम सिंह राजावत कार्यालय में एक ज्ञापन अपनी मांगों का पेश किया गया, जिसमें अनेक पदाधिकारी महिलाएं मौजूद रही। आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का 9वां दिन है, लेकिन इनको आज तक सरकार के द्वारा किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया गया। झुंझुनू के मंडाना में किसान आंदोलन के जाम में फंसे विदेशी पर्यटक, फ्रांस के 3 दलों के पर्यटक जाम के कारण फतेहपुर से वापस मंडावा आ गए। फ्रांस के 150 से अधिक विदेशी पर्यटकों को भारी परेशानी हुई। ये पर्यटक बीकानेर जोधपुर और जैसलमेर जाना चाहते हैं, लेकिन विदेशी ग्रुपों को मजबूरन मंडावा रुकना पड़ा। पाली के देसुरी के दादाई ग्राम पंचायत में जिला कलेक्टर सुधीर शर्मा ने रात्रि चौपाल के दौरान जनसुनवाई की। उन्होंने आमजन के कई अभाव अभियोग निपटाए। इस दौरान एसडीएम राजेश मेवाड़ा, बीडीओ विक्रम सिंह राजपुरोहित, रानी एसएचओ, सरपंच रिंकू, कंवर मेड़किया सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और कई ग्रामीण मौजूद रहे। जालौर के रानीवाड़ा में करड़ा थाना पुलिस की कार्रवाई में अरणाय गांव में चोरी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है।
पुलिस ने दातीवास गांव से आरोपी को गिरफ्तार किया। चोरी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया। हनुमानगढ़ की टिब्बी में बाजार बंद रहा, व्यापार मंडल और ग्रामीणों के आह्वान पर बंद किया गया। राजकीय चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने, किसानों की मांग को मानने और राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में अव्यवस्थाओं को लेकर बंद किया गया। बारा के छबड़ा में नगरपालिका का सफाई अभियान एक दिन चलकर फिर से बंद हो गया है। कस्बे में दिन प्रतिदिन मौसमी बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं, जिनकी रोकथाम के लिए व्यापक सफाई अभियान चलाने के लिए कस्बेवासियों ने कई बार पालिका से गुहार लगाई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि सर्किलों पर बंद पड़े फव्वारों में काफी समय जमा पानी की भी निकासी नहीं कराई गई, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में क्षेत्र के बामणिया पंचायत का लांबा गांव में बीच सड़क पर पड़े रही परेशानियों के सबब बन रही हैं। यहां 3 माह पहले जनता जल योजना की पाइपलाइन को ठीक करने के लिए गड्ढा खोदकर सरकार भूल गई, वही वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी की बैठक हुई। बैठक में सारथी कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने कार्यक्रम के लिए विभिन्न विभागों में आपसी सामंजस्य बनाकर मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के बारे में प्रचार प्रसार और लाभ उठाने के लिए समझाइश करने निर्देश दिए। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में जिला कलेक्टर ने 4 पंचायतों की शिक्षा चौपाल में प्रतिभावान स्टूडेंट भामाशाहों का सम्मान किया। 2 साल से पढ़ाई छोड़कर घर बैठी बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट किया गया। इस पहल पर जिला कलेक्टर ने स्कूल स्टाफ बालिकाओं व अभिभावकों का भी सम्मान किया, साथ ही सरकार की उड़ान योजना के बारे में जानकारी दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष के रूप में घनश्याम चौधरी को चुना गया। यह घनश्याम चौधरी को मंडल अध्यक्ष बनाने पर क्षेत्र में खुशी की लहर छा गई। लोगों ने घर जाकर माला पहनाकर स्वागत किया। उदयपुर के पलासिया में नागमाला तालाब की पाल में एक महापूर्व एक दिशा में पत्थरों का एक ब्लॉक निकलकर गिर गया। सूचना पर एहतियात तौर पर पलासिया ओंगना डीवाई एसीपी निरंजन विकास अधिकारी कनिष्ठ अभियंता देवेंद्र सहित कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। तालाब की स्थिति से जिला कलेक्टर से आदेश लेकर दोनों गेट खोल दिए गए। ग्राम पंचायत तालाब को 3 फीट तक खाली करवाने कर मरम्मत करेगी। जैसलमेर के फतेहगढ़ में सास बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया। रणधा के उप स्वास्थ्य केंद्र में सास बहु सम्मेलन का आयोजन किया गया। एनएम चौधरी ने जानकारी देते हुए परिवार नियोजन की जानकारी दी। परिवार कल्याण के तहत ली जाने वाली क्षतिपूर्ण राशि के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। भरतपुर के हलेना में सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षण शुरू हुआ, जिसमें भरतपुर और अलवर जिले के बेरोजगार युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। कैप्टन द्वारिका प्रसाद शर्मा आईटी प्रसिद्ध का सुरक्षा और कंप्यूटर के गुर सिखा रहे हैं। करौली के इंडोर सिटी में समीप के गढ़ी पनबेड़ा गांव के बरसात के साथ अंधड़ के कारण एक पाटोर पोच घर ढह गया। टूटी हुई पट्टियों के नीचे दबने से एक युवती की मृत्यु हो गई, वहीं 2 महिलाएं घायल हो गई। बारा के छिपा बड़ोद में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री श्रीचंद कृपलानी, बाबूलाल जी वर्मा, विधायक बूंदी अशोक जी डोगरा देर रात पहुंचे, जिसके बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश प्रदान किए गए। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने पंचायत समिति के सामने प्रदर्शन किया। ये महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की मांग कर रही है। जोधपुर के शेरगढ़ में ग्राम पंचायत दासनीय सरपंच दीपू गर्ग की अध्यक्षता में ग्रामीण जन स्वास्थ्य कमेटी का गठन किया गया। ग्राम पंचायत के राजस्व गांव कानसर विरदासर डांडी की बेरी संतोष नाथपुरा में भी कमेटी का गठन किया गया। वार्ड पंचों की उपस्थिति में ग्रामीण जन स्वास्थ्य कमेटी का गठन हुआ। जोधपुर के भोपालगढ़ में युवक कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यकारिणी विस्तार में युवा कांग्रेस भोपालगढ़ विधानसभा सचिव से महासचिव पदोन्नत होने पर भगवत देवड़ा एवं युवा कांग्रेस पाली लोकसभा महासचिव धर्मेंद्र का एमपी टावर पर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। जोधपुर के उसिया में राजस्थान शिक्षा एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से वीर शहीद प्रभु सिंह राठौर जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन कल बालेसर में आयोजित होगा। सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिक्षकों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीले चावल बांट कर निमंत्रण दिया गया। जोधपुर के तिवरी में राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के उपखंड की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें कांत सिंह चौहान को अध्यक्ष, भागीरथ गोदारा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अनिल शर्मा उपाध्यक्ष, प्रेम बिश्नोई को सचिव, कमलेश सैनी को महामंत्री, गोपीचंद मीणा को संगठन मंत्री, शिवराज मेघवाल को प्रचार मंत्री मनोनीत किया गया। भरतपुर के भुसावर में ग्राम पंचायत रणधीरगढ़ के गांव गढ़ी साध में सड़कों पर अतिक्रमण हो रहा है। इस अतिक्रमण के कारण यह रास्ता बंद पड़ा है, आने जाने वाले राहगीरों के लिए परेशानी बना हुआ है।
गांव में प्रवेश के लिए 2 किलोमीटर दूर होकर आना जाना पड़ रहा है। पूरे गांव में नाले नहीं होने से घरों का पानी भी सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। अलवर के रामगढ़ में हाजीपुर फीडर के बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट का मामला सामने आया। मारपीट का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हाजीपुर निवासी शंकरुल्ला है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर में विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष निरंतर जारी है। समस्या निराकरण के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। और वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।